पर आपकी एक खासियत भी है, जब आप भावुक होते हैं तो उस ढंग से बोलते हैं, और जब कैमरे के साथ जाते हो तो हमारी ऐसी तैसी करते हो। कमी नहीं रखी आपने हमारी, हमारे नेतृत्व की मेरी भी कोई कंजूसी नहीं रखी आपने। जम के आपने कैमरे के सामने क्या क्या नहीं बोला होगा वो लोगों के जहन के अंदर है। अब भाई साहब वाली बात नहीं रहेगी, अब आप गवर्नर बन गए हो। मेरे किसी भी आचरण से राजस्थान का गौरव नहीं गिरेगा, राजस्थान का गौरव बढ़ेगा। बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया को सालों की वफादारी का इनाम देते हुए भाजपा की मोदी सरकार ने असम का राज्यपाल घोषित किया है। बीते रोज गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के विदाई समारोह में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी लेते हुए कटारिया की तारीफ की और असम में राजस्थान का मान बढ़ाने की बात भी कही, तो वहीं हमेशा अपने शब्द बाणों से सीएम अशोक गहलोत को छलनी करने वाले गुलाबचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की और असम में राजस्थान का मान बढ़ाने और संवैधानिक मूल्यों पर खरा उतरने का आश्वासन दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि आप तो आरएसएस के कैडर के आदमी हैं, आपने पूरी जिंदगी बिता दी, असम में तो बीजेपी की सरकार है, असम में राजस्थानी भरे पड़े हैं, तो आप वहाँ ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुलाबचंद कटारिया से कहा कि जब आप भावुक होते हैं तो उस ढंग से बोलते हैं, और जब कैमरे के साथ जाते हो तो हमारी ऐसी तैसी करते हो। कमी नहीं रखी आपने हमारी, हमारे नेतृत्व की मेरी भी कोई कंजूसी नहीं रखी आपने। जम के आपने कैमरे के सामने क्या क्या नहीं बोला होगा वो लोगों के जहन के अंदर है। पर मैं समझता हूँ कि आज के बाद में ना तो आप स्पर्श के लिए गुलाबजी भाई साहब रहोगे और ना इनके लिए गुलाबचंद कटारिया रहोगे, बल्कि नए रूप में आप जो है अब भाई साहब वाली बात नहीं रहेगी। अब आप गवर्नर बन गए हो तो आप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए मैं समझता हूँ कि आप जो है आसाम के अंदर अपना झंका बजाएंगे, राजस्थानियों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं विदाई समारोह में भावुक हुए गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मैं राजस्थान का हूँ, आपका हूँ, राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ना ये मेरे नस-नस में भरा। जहाँ भी आपको कभी एक शिकायत, ये जो इतने विधायक बैठे हैं मेरे साथी, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ मेरे किसी भी आचरण से राजस्थान का गौरव नहीं गिरेगा, राजस्थान का गौरव बढ़ेगा। मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूँ, और मैं जहाँ हूँ मुझे भी आप सेवा करने का मौका दें तो मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा, और प्रदेश के लिए भी जो कुछ मेरे इस स्थान का उपयोग होकर प्रदेश के हित में जो जो काम किए जा सकते हैं वो मैं चाहे प्रधानमंत्री से या और किसी से भी जाना होगा मैं निश्चित जाऊँगा। राजस्थान का उत्थान मेरा उत्थान है, आप और मेरा सबका साथ मिलकर के उत्थान है। मैं आपसे फिर, क्योंकि मैं कई बार बड़ा, आपने कहा, बड़ा भावुक हो जाता हूँ, कई बार आपसे भिड़ जाता हूँ, कई बार आपके साथ बड़ा कटु शब्दों का प्रयोग हो जाता है, कई बार आपको लगा होगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई किसी के वैर दुश्मन या कोई गलत बात रहती नहीं है, कुछ क्षणिक रहती है, उसमें कुछ आवेश में कुछ अगर कमी खामी रही हो तो आप चाहे मंच हो चाहे आप हो, सबसे क्षमा याचना करते हुए आप सबसे आशीर्वाद लेकर, आप सबका आशीर्वाद मेरे पर रहे ताकि मैं अपने काम को एक अच्छे जनसेवक की तरह से और संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान की पालना करते हुए अपने इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा जरूर करूंगा। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि अशोक गहलोत साहब आप नहीं जानते होंगे, मैं 80 में भी विधायकपुरी में रहता था, 77 में मैं आपको MP होते हुए भी मेरे उस स्वागत कक्ष में अपने लोगों को टेलीफोन करने के लिए दो दो घंटे बैठते हुए देखा मैंने, तो मैंने सीखने का प्रयास किया कि एक आदमी MP होते हुए भी इस स्वागत कक्ष में बैठ करके अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, इसका मतलब अच्छाई तो आप जहाँ से ढूंढो वहाँ से मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि CP जोशी साहब और हम दो अलग अलग पार्टी में थे, डिबेट कंपटीशन में भी ये सामने आते थे, हम इधर से आते थे, लेकिन व्यक्तिगत स्नेह हमेशा बना रहा और उसके कारण से
मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस बार 15वीं विधानसभा में आपने जो मेरे को मान और सम्मान दिया, मैं आपका ये कर्जा कभी नहीं चुका सकूँ। गुलाबचंद कटारिया ने अपने भाषण में कहा है कि मैं सोचता हूँ मैंने वसुंधरा जी के साथ भी काम किया, मैंने भैरव सिंह जी के साथ भी काम किया। मैं हमेशा एक बात कहूँ कि अंदर कुछ और बाहर कुछ ये मत करो, जो अंदर है वो बाहर बताने का प्रयास करो और सच को स्वीकार करो। मेरी बात कई बार यहाँ विधानसभा मेरी बड़ी अजीब स्थिति में आके खड़ा हो गया, लेकिन आदरणीय भैरव सिंह जी ने और इन सब पुरानी पीढ़ी ने एक बात समझाई कि अगर तुम अपनी विधानसभा का धर्म ईमानदारी से निभाना चाहते हो तो अधिक से अधिक समय बैठने की आदत डालो, क्योंकि तुम सारा राजस्थान नहीं घूम सकोगे, लेकिन सारा राजस्थान यहाँ ये माननीय सदस्य आपके सामने लाकर उपस्थित कर देंगे। इनकी हर एक की बात का कोई न कोई महत्व निकलेगा और वास्तव में उसके कारण से मुझे सीखने का मौका मिला। कोई गरीब नहीं होता है, कोई कमजोर नहीं होता है, ईश्वर सबको एक सी मशीन दे के भेजता है, उपयोग किस ढंग से करें ये अपने पर निर्भर करता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने इतने वर्षों तक आपके बीच में रह करके बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से अगर कोई चीज़ अपने को मिल रही है तो उसे उठाना चाहिए, लेना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।